शेजर भी यहाँ पे मिड आउट पोजीशन पे जाते आपको दिखाई देंगे। मीन वाइल टीम सोल की बात करेंगे, अक्षत का नुकसान, बाकी ज्यादा एडवांटेज वहां पे दे सकते हैं। फिलहाल तो ग्रेनेड को किया जाएगा, एक सरप्राइज ग्रेनेड द्वारा दिया जाए खिलाड़ियों को, लेकिन मुझे लगता है कनेक्शन जो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे वो कनेक्शन नहीं मिला। डीबीएस से वार किया जाएगा, नियो को टिक डाउन करेंगे। आई थिंक जो फॉलो अप ग्रेनेड डाला गया था उसी के चलिए मुझे लगता है पूरी पूरी स्क्वाड मैच के बाहर होगी। 19 टीम में बची 61 खिलाड़ी है, लेकिन हल्की सी एचपी जरूर से गवाई है। तो ये दो खिलाड़ी टीम बिग ब्रदर स्पोर्ट्स के काफी ज्यादा ले खड़ी कर सकते हैं के लिए। बाकी देखा जाए तो ऋषि को फिनिश किया गया गॉबलिन की तरफ से, उजुमाकी विल बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग। सही समय पे नीचे जाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और यहाँ पे जैजी आप देखिए, उजुमाकी फाइनली स्पॉट किए गए, टोटल 5 फिनिशेस यहाँ पे रह गया। एक और टीम यहाँ पे आ चुकी है के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल चिप डैमेज पड़ा जरूर, लेकिन कुछ खास परेशानी होगी नहीं सकते मौजूद। देखिए ईस्टर्न ब्रिज भी तो एक ऑप्शन है खिलाड़ियों के पास जहाँ से वो जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टीम सोल की बात करेंगे, नियो पे देखने मिल सकता है बिकॉज एक प्लेयर तो ऑलरेडी डाउन है। यहाँ पे नियो के पास काफी अच्छा मौका है, वो सामने जा सकते हैं। की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको देखने मिलेंगे प्लेयर्स तो काफी नजदीक है। डीबीएस का एक फटकारा मिलेगा, प्लेयर को टेक डाउन किया जाएगा। दूसरे फटकार में यहाँ पे कंफर्मेशन करते नजर आएंगे, डॉन सामने है, प्रज्वल भी आपको देखने मिल सकते हैं जिनकी एचपी काफी लो है। अगर थोड़ा समय मिल जाता है नियो को यहाँ पे, सोल वही काम करते दिखाई देगी आपको। अक्षत काफी तेजी से बढ़ रहे आगे की तरफ, उनको पता है एक प्लेयर डाउन है, ये सही मौका है। एक और प्लेयर आई थिंक यहाँ पे टेक डाउन हो सकता है, टेक डाउन किए गए। बाकी अक्षत की बात करेंगे, बिल्कुल आज रुकने का नाम नहीं ले रहा है यहाँ पे इस फाइट में। बाकी इनकी भी टीम के गॉब्लिन यहाँ पे टेक डाउन होंगे और उसके बाद अक्षत भी टेक डाउन नजर आ रही है। जैसे मौका मिलेगा पलटवार किया जाएगा। यहाँ पे अब बात करोगे शायडो की, वो भी आगे आते नजर आएंगे, मतलब थर्ड पार्टी शायद यहाँ पे हमें आती नजर आएंगी। सो क्या टीम सोल रेडी है थर्ड पार्टी के लिए? देखिए मुझे लगता है थ्रोएबल्स फेंके गए यहाँ पे और उसका नतीजा भी निकल के आया। नियो उसके चपेट में आते नजर आए हमें, टेकडाउन हो चुके हैं। गॉब्लिन की बात करेंगे, यहाँ पे भी फ्लेम्स हमें देखने मिल रही है। बिल्कुल लगता है यहाँ पे थ्रोएबल से ही मुश्किलें बढ़ाई जा रही है टीम सोल की। गॉब्लिन विल बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग। फिर अच्छा समय निकाला अपने अपने प्लेयर को रिवाइव करने के लिए, देखते हैं गॉब्लिन को क्या ये रिवाइव करने में कामयाब रहेंगे, बिकॉज दूसरा भी डोर है हो सकता है। सो यस यहाँ पे रिवाइव मिल चुका है, लेकिन क्या ये टीम स्टैंड कर पाएगी? बिकॉज पूरी स्क्वाड यहाँ पे आती नजर आ रही है आपको। लेट के कितने, मतलब दो खिलाड़ियों को टेक डाउन किया गया, तीसरे खिलाड़ी को टेक डाउन कर पाते, लेकिन पीछे से बैक स्टैप किए गए जाएगा उनकी तरफ से। और यहाँ पे टीम कॉन्फिडेंट की बात करेंगे, उनके पास भी काफी अच्छे फ्रैग्स आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे बात करोगे चेसर की, स्कारल का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने है टीम सोल। हम यहाँ पे बात करेंगे टीम सोल, आई थिंक एक अकेला खिलाड़ी यहाँ पे बचा हुआ है, वो अकेला खिलाड़ी लाइक जैसे इसके पहले के मैच में 1v4 निकाला था, क्या कर पाएंगे? टीम बिग ब्रदर्स के ऋषि को डाउन करते नजर आएंगे। बहुत इत्मीनान के साथ टीम्स को खेलना चाहिए, जो कि टीम्स खेल ले रही है। बैक एंड साइड पे गॉब्लिन उतरे जरूर, बट कर जाएंगे उन स्पेस को और उनको भी चकाया जाएगा। नियो एकमात्र इकलौता प्लेयर, पिछली बार टीम गॉड से इनको एक 1v4 करा था, तो कहानी जो है ना वो मात्र एक 1v1 में लाकर खड़ी कर दिया, क्योंकि विस्कॉट को ऑलरेडी ये प्लेयर डाउन कर चुका है और सामने मौजूद एके ओपी की भी जो पोजीशन है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज है। हम 1v1 की फाइट रहेगी ये दोनों खिलाड़ियों के बीच में। यहाँ पे आई थिंक लेफ्ट ओरिएंटेड फ्लैंक करने की कोशिश दिखाई गई हमें इनकी तरफ से, वहां से हम बात करेंगे एके की। मैं बोलूंगा जल्दी जल्दी जाइए रूटर पर चेकआउट करिए, वहां पर भी ऐसे में कुछ रॉयल पास का गिवअवे देखने को मिलेगा। बट दूसरी तरफ नियो एक और प्लेयर को डीबीएस के साथ चकाते नजर आएंगे, वेस को भी इस मुकाबले से बाहर कर दिया, हल्की सी एचपी को गवाया था लेकिन रिकवर करने में कामयाबी हासिल हुई। चलिए यहाँ पे ग्रेनेड्स आ रहे हैं, उसका स्प्लैश डैमेज लगातार मिल रहा है। अब देखते हैं वर्सेस डीबीएस, आई थिंक यहाँ पे दोनों भी खिलाड़ियों के पास डीबीएस रहेगी और यहाँ पे गॉब्लिन आके मैच के बाहर का रास्ता दिखाएंगे साइफर के लिए। साइफर अकेले है सामने दो खिलाड़ी टीम सोल के, नियो आपको देखने मिलेंगे ग्रेनेड को कर रहे और साइफर की तरफ वो ग्रेनेड फेंकते नजर आएंगे आपको। और आई थिंक डीबीएस का फटकार लगा और उनको मैच के बाहर कर दिया गया।